लाखों रुपए का गबन करने वाले नव भारती समिति के संचालक को उपभोक्ताओं ने पठारी थाने में घेरा। पुलिस की समझाइश के बाद वापस घर लौटे उपभोक्ता। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी थाने में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ताओं ने नव भारती चिटफंड बैंक समिति के संचालक को घेरा। उपभोक्ताओं का कहना है कि पठारी, त्योदय एवं ग्यारसपुर सहित अन्य जगहों पर कुछ वर्ष पूर्व एक नव भारती चिटफंड बैंक समिति के नाम से शाखा पठारी में डाली गई थी, जिसमें लोगों ने अपनी बचत के लिए अपने खाते खुलवा करके पैसा जमा करना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद वह समिति पठारी सहित अन्य जगहों से खाता धारकों के रुपए गबन करके भाग खड़ी हुई, जिसको लेकर पठारी में सैकड़ों लोगों के कई लाख रुपए डूब गए। शनिवार को चिटफंड समिति के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा को उपभोक्ताओं ने पठारी थाने में घेर लिया और अपने रुपए वापस करने की बात कही। साथ ही लोगों ने मीडिया के सामने संतोष कुशवाहा पर लाखों रुपए गबन करने के आरोप लगाए और बताया कि उनके द्वारा कई सालों से लोगों को पैसे देने का कहकर गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों ने जो थाने में आज भीड़ लगाई है, वो किस संबंध में लगाई है? हम लोगों ने इस संबंध में लगाई है कि हम लोगों का जो रुपया था वो नव भारती शाखा के संतोष कुशवाहा की शाखा को हम लोगों ने जमा किया था, जिसमें करीब पठारी का सैकड़ों लोगों का 20-25 लाख रुपए है और उनने अपनी शाखा बंद करके पैसे देने से वो मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास हिसाब क्लियर हो जाएगा, जब हम आप लोगों का पैसा देंगे, ऐसा वो हम लोगों से 2 साल से घुमा रहे हैं। 2 साल से वो मतलब कई चेक दे चुके हैं हम लोगों को और चेक मुझे पूरे उन्होंने 4 चेक दिए। जो मैं सागर लेके गया चेक कोटक महिंद्रा बैंक में, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहने लगा इसमें सील नहीं है आपकी। और उस दिन के बाद से आज तक मुझे घुमा रहे हैं, ये 4 चेक हैं जिसमें सील नहीं लगी। मैंने उनसे बोला, निवेदन किया कि सील लगाओ आप, तो वो बोल रहे हैं मुझसे, तुम पे जो बने तो कर लेना, मैं इसमें सील नहीं लगाऊंगा। जो भी तुम लोगों के दम हो, तुम लोगों जितनी दम लगा सको वो दम लगा लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, लगभग पठारी में कितने लोगों को ये समस्या है, कितने लोगों का पैसा? पठारी में कम से कम होंगे 100 से 150 लोग। कितने रुपए का लगभग गबन है? कम से कम होगा 20 से 25-30 लाख रुपए का। उसमें मेरे ही अकेले जब 1,80,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने रुपए का होगा। ये मेरे पास 4 चेक हैं, 45,526 रुपए का एक चेक है और ये ऐसे मेरे पास 4 चेक हैं, मतलब बड़ी एक एक रुपए पूंजी जमा करके व्यापारियों ने इसमें पैसा लगा जमा किया था कि भैया हम लोगों को जरूरत पे काम आएगा इकट्ठा पैसा। लेकिन ये जो है ना चेक फंड कंपनी भाग गई सबके पैसे लेकर और हम लोगों को बस घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वही संतोष कुशवाहा का कहना है कि वो उनका रुपया लोन में डूब गया, जिसकी रिकवरी होते हुए ही पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन उपभोक्ता नहीं माने और चिट फंड संचालक को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक थाना परिसर में घेरे रहे। अंत में थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह ने जब लोगों को समझाया, तब जाकर के उपभोक्ता घर गए और शाखा संचालक ने भी जल्द से जल्द लोगों के पैसे देने की बात कही है। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।